कल मेरा चाचा का घर एक बड़ा सांप मिला। वो घर का छत का जो हम लोग का वो घर का ऊपर जो छत के नीचे जो खाली जगह रहता भीम का ऊपर उसमें बैठा था। बहुत एक जहरीला ख़तरनाक सांप है, इसको हम लोग अंडमान कोबरा का नाम से जानता है इसको। तो हम लोग तुरंत ही फॉरेस्ट का आदमी लोगों को इन्फॉर्म किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो उस लोग आके रेस्क्यू किया। तो देखिए बहुत ही मेहनत किया उस लोग, और रात का टाइम था, अंधेरा का टाइम, तो कैसे भी करके उसको पकड़ लिया। और आप लोग देख सकते हैं ये नहीं नहीं करके 8 से 10 फीट लंबा होगा, अभी तक नहीं उतारा, नहीं उतरने से मालूम चलेगा कितना लंबा है करके। ये देखिए उनका हिम्मत देखिए, हाथ से पकड़ लिया सिर को, लटक गया उधर फंस गया। और सांप भी बहुत खतरनाक है, वो भी मतलब कुंडली मार के बैठा है। लेकिन जो हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बाबू है वो भी कुछ कम नहीं है, कैसे भी करके उसको बाहर ही निकाल के लेके आया। ये देखिए और थोड़ा सा फंसा है, वो आ जाएगा भी। वो देखिए आवाज़ सुना सबका, खतरनाक आवाज़ भी निकलते हैं। ये देखिए निकाल दिया, मोटा नहीं नहीं करके 2 इंच तक मोटा है। इसको अभी बाहर निकाल के बाहर लेके जाता है रोड में। इसको रोड में लेके जाने के बाद बैग में अच्छे से पैकिंग करके इस लोग दूसरा जगह लेके शिफ्ट कर देगा जंगल में। और इसका कितना लंबाई है वो भी चेक करेगा लगता है, देखते क्या करता है इस लोग। जैसे कि देख सकते हैं कितना खतरनाक सांप को कैसे इजीली पकड़ के रखा है। हाँ अभी नापने का बाद भी चल रहा है, हम तो गलत बोला 8-10 फीट, तो उससे भी ज़्यादा है लगता, 12 फीट तक हो जाएगा। अगर ये सांप भगवान ना करे किसी को कुछ नुकसान पहुँचाता था, उससे पहले देख लिया। ये देखिए बैग आ गया, अभी बैग में डाल के इसको जंगल में लेके छोड़ देगा। तो पता नहीं फॉरेस्ट का बाबू लोग क्या करेगा, इसको कहाँ लेके छोड़ेगा। हम लोग को तो यही बोलना है कि नज़दीक कहीं ना छोड़े, कि दोबारा आके परेशान करे हम लोगों को। लेकिन ये तो अंडमान कोबरा का जैसा दिखता नहीं, ये क्या सांप है हमको भी ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरनाक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे भी शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़।